खबर। चंबा जिले के सलोनी का उपमंडल स्तरीय दो दिवसीय ऐतिहासिक नाग जातर मेले में इस बार पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, जिसके लिए ड्रोन कैमरे का सहारा भी लिया जा रहा है। कोरोना के कारण बंद हुए इस मेले का 2 वर्षों बाद आयोजन हो रहा है, जिसमें 10,000 तक लोगों के आने की उम्मीद है। मेले में कानून व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना के हर प्रभारी हरनाम सिंह, सलोनी चौकी प्रभारी नरेश कुमार पुलिस जवानों सहित मुस्तैद हैं, तो वहीं SDPO सलोनी ने स्वयं मोर्चा संभाला हुआ है। मेले की सुरक्षा व्यवस्था बारे जानकारी देते हुए SDPO सलोनी IPS मयंक चौधरी ने बताया कि मेले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 70 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पहली बार यहां मेले में ड्रोन कैमरे का सहारा भी लिया जा रहा है, ताकि हर हरकत पर नजर रखी जा सके और कानून व्यवस्था बनी रहे। साथ ही होने वाली किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। बताते चले कि हिमाचल में खालिस्तान के झंडे लगने के बाद प्रदेश की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है और पुलिस जवान अलर्ट पर हैं। ये ना मनोज, ये फोटो लेने तुम्हारे पता हो ना, ये आ गया ना, ये फोटो आ गई इस आधा देखो हवा कितनी तेज है, देखो वाला ऊपर ना पूरा हिलता है। ओ नो देखो एक फोटो ही ले ली है ना, पूरी फोटो उठे थी ना, ये कैमरा बना नहीं जनाब इस भरी ये वाला ना देखो सबको ज्ञात है कि 2 साल बाद कोविड के बाद ये मेला हो रहा है, तो एक अमूमन है कि यहाँ पे इस बार अच्छी खासी गैदरिंग भी होगी, लोग भी काफी आएंगे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा की जितनी भी पुख्ता तैयारी कर सकते हैं वो की गई है, जिसमें कि हमने अराउंड 60 से 70 अपने पुलिस जवानों को लगाया है, इंक्लूडिंग जो हमारे SPOs हैं स्पेशल पुलिस ऑफिसर, उनको भी यूज़ किया गया है। साथ ही साथ हमने सर्च लाइट और ट्रैफिक बैटन वगैरह यूज़ किए हैं, ताकि रात के अंधेरे में जो भी कल्चर नाइट होना उस पर भी हम लोग देख सकें। और इस बार हमने ड्रोन कैमरा भी यूज़ किए हैं, जिससे कि अगर कोई भी ऐसी गतिविधियाँ हैं जो कि अगर CCTV कैमरे कैच नहीं हो पाती हैं, तो ड्रोन कैमरे के थ्रू हम उन गतिविधियों को देख सकें और कोई भी मिस हैपनिंग होने से उसको रोका जा सके। सर, खालिस्तान के झंडे लगने के बाद कहीं ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आप उसको इससे अलग ही रखें, क्योंकि ये एक मेले का है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, लोग काफी ज्यादा आने वाले हैं इस बार। अमूमन जैसे लोगों का कहना है कि इस बार 7 से 8 हजार लोगों की गैदरिंग हो सकती है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए, ताकि कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो, ना कोई मिस हैपनिंग हो, ना ही किसी को कोई दिक्कत हो, यहाँ पे जो भी है महिलाएं हैं बच्चे हैं सबकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ड्रोन कैमरे का यूज किया जा रहा है, ताकि ओवरऑल सुपरविजन हो सके।